इस क्लास में हम लोग जो टेस्ट में हमारा प्रश्न पूछा गया था सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन तथा सिंटैक्स, इसका उत्तर आपको बताने चल रहे हैं। इसको दोनों क्लास का मिक्स है, आप लोग इसको देखिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम है तो दोनों क्लास के लिए सेम प्रॉब्लम है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा गया, आई सॉ अ स्नेक I ran away. एक सेंटेंस आपका है I saw a snake, I ran away. क्लियर हो गया? अब इसको सिंपल में कन्वर्ट करने हैं, सिंपल सेंटेंस में, क्योंकि सेंथेसिस में करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं इसको, देखिए सिंपल सेंटेंस में अगर करेंगे ट्रांसफॉर्म भी हो जा रहा है और सेंथेसिस भी हो जा रहा है, दोनों चीजें हैं, मतलब हम कह रहे हैं अगर हम सेंथेसिस करते हैं तो ऐसा नहीं ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा, तभी ट्रांसफॉर्म होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, यहां पर क्या लिखा गया, सीइंग अ स्नेक आई रैन अवे, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हो गया और सेंटेंस आपका क्या हो गया, बन गया सिंपल में कन्वर्ट हो गया, ये सेंथेसिस भी हो गया और ट्रांसफॉर्म भी हो गया। दूसरा लिखा गया, एक ही सेंटेंस है, अब इसके बाद हमारा है यहां पर दूसरा लिखा गया, इट इज टू हार्ड फॉर मी, इट इज टू हार्ड फॉर मी टू सॉल्व इट, इट एट वंस, आपका ये सेंटेंस है। इसमें क्या करना है, आपको रिमूव टू करना है, टू क्या है, ए एडवर्ब है, आपका आता है रिमूव एडवर्ब टू, चलिए ठीक है आप फॉलो करिए, क्योंकि आपको टॉपिक पढ़ाया गया, हमने लिखा इट इज, टू के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया, सो, यहां पर हार्ड हो गया, अब फार मी लिखा है, इट इज सो हार्ड, फार मी के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, नहीं दैट लगाएंगे, इट इज सो हार्ड दैट, फार्मी के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, आई का, यहां पर प्रेजेंट में है, यहां पर कैन नॉट लगाया जाएगा, आई कैन नॉट सॉल्व इट, आई कैन नॉट सॉल्व इट एट वंस, आपका ये सेंटेंस क्या हो गया, रिमूव टू के तहत बन गया, किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया। एक चीज अब यहां पर और समझ लीजिए, जैसे हमने बताया ए सिंपल सेंटेंस में जब कन्वर्ट किए तो ए सिंथेसिस भी हुआ, सिंपल तो हुआ ही, लेकिन ए ट्रांसफॉर्म भी हो गया, मतलब दो सेंटेंसों को हमने कन्वर्ट करके क्या कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। चलिए अगला लिखा गया, इट इज टू हार्ड फॉर मी, देखिए ए हमारा सिंपल सेंटेंस है, अगर आप देखते हैं अगर हम रिमूव टू नहीं किए हैं, मतलब टू लगा है तो सिंपल सेंटेंस में है, और जैसे ही इसको हम रिमूव टू करते हैं ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब यहां क्या हो गया, एक तो रिमूव टू किया, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये सिंथेसिस के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, सिंथेसिस के रूल को फॉलो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि एक ही सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं दो सेंटेंस में, क्लियर हो गया। अगर यहीं पर फुल स्टॉप लगा दिया जाता दैट को हटा करके, तब आपको कहा जाता है इसको सिंथेसिस करिए, तब आप इस रूप में या इस रूप में सिंथेसिस करके इसे क्या बना सकते थे, इस रूप में बनाते सिंपल बनता, इस रूप में बनाते तो क्या बनता, कॉम्प्लेक्स। क्लियर हुआ, आगे क्लास में आपको बताया जाएगा। अगला है तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें आपको हम बता रहे हैं कुछ चीजें सिंटैक्स से रिलेटेड है। जैसे लिखा गया पहला सेंटेंस है, द प्रयाग राज इज एन हिस्टोरिकल सिटी, is an historical city, आपका पहला सेंटेंस लिखा गया, ए सिंटैक्स करना है आपको, क्या करना है सिंटैक्स, कोई दिक्कत नहीं, सिंटैक्स का मतलब करेक्ट करना होता है। अब यहां पर देखिए प्रयागराज प्रॉपर नाउन है, इसके पहले आर्टिकल द लगा है, इसको आप हटाएंगे, आप लिखेंगे क्या, प्रयागराज
इज एन लिखा है, देखिए हिस्टोरिकल, चूंकि हिस्टोरिकल लिखा जाता है इसलिए ए लगेगा, यहां पर लिखा गया अ हिस्टोरिकल सेंटेंस, आपका सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। वैसे सेंटेंस इरर स्पॉटिंग में एक ही देता है, क्योंकि यहां हम एक्सरसाइज बता रहे हैं इसलिए हमने दो इरर दिया था। अगला लिखा गया दूसरा, सी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, सी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। अब इसको करेक्ट करने के लिए दे दिया गया। कभी कभी क्या होता है, ध्यान दीजिए, मिस प्रिंट बस या टीचर टेस्ट लेने के लिए सही सेंटेंस दे करके आपको सिंटैक्स करवाता है। अब आपका ए सेंटेंस करेक्ट था, इसमें करेक्शन की जरूरत नहीं थी, आए समझ नहीं, क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, इसके पहले आर्टिकल द लगा है, इसमें कहीं पर गलती नहीं थी। चलिए अगला सेंटेंस है, तीसरा यहां पर लिखा गया, आइदर सी नॉर ही विल डू देयर वर्क, ये आपका सेंटेंस का टर्म है, आइदर सी नॉर ही विल डू देयर वर्क। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको भी सेंटेंस में आपको करेक्ट करना है। यहां पर देखिए आयदर सी लगाया गया, सी के साथ नार का प्रयोग किया गया है, जबकि आयदर लगाया, देखिए आयदर के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, नार का प्रयोग नहीं करते, तो आप करेक्ट करते समय यहां आर लगाएंगे। इसके बाद आप ही विल डू, यहां तक सही है आपका, लेकिन यहां दियर लगा, देख लीजिए दूसरी गलती, जब आयदर आर अथवा नाइदर नार से किसी चीज को हम जोड़ते हैं तो जोड़ते हैं हम देखते हैं कि अगर दोनों हमारा सिंगुलर है तो उसका रिस्पेक्टिव जो प्रोनाउन लगेगा वो सिंगुलर लगेगा, लेकिन सिंगुलर में क्या लगेगा, सी या हर, मतलब क्या, सी या हिज, मतलब हर या हिज, क्योंकि यहां सी है यहां पर है, ही है, तो जो नियरेस्ट वर्ब होगा मतलब बिल के नजदीक क्या है, ही, तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, हिज वर्ब। अब आप ध्यान रखिएगा इसका जो करेक्ट हो गया, आइदर सी और ही विल डू हिज वर्क, क्लियर हो गया आपका, इससे रिलेटेड है। एक सेंटेंस और था आपका चौथा, देखिए आई, इसके बाद लिखा गया हरी अ टीचर ऑफ इंग्लिश, अ टीचर ऑफ इंग्लिश लिखा गया इज टीचिंग you this lesson, teaching you this lesson, आगे लिख दिया गया homecoming। चलिए वो sentence आपका homecoming है। अब हमको क्या करना है, इसको correct करना है। I Hari a teacher of English is teaching you, देखिए क्या होता है ना, यहां पर आप ध्यान दीजिए, in noun मतलब आपका noun in a position का प्रयोग किया गया, noun in a position का प्रयोग किया गया, इसका मतलब जो वर्ब हमारी लगेगी इस नाउन इन अ पोजीशन के अकॉर्डिंग टू नहीं लगेगी बल्कि आई के अकॉर्डिंग टू लगेगी, और जहां जहां इज लगा है इसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, आई एम का प्रयोग करेंगे। अब आप लोग इसको क्या करिएगा, समझने की कोशिश करिए किस प्रकार से यह सही किया जा सकता है। क्लियर हो गया आपका, चार सिंटैक्स दे दिया गया, चारों सिंटैक्स आपको करेक्ट करना बता दिया गया, एक सेंथेसिस और दिया गया, इसको भी समझ लीजिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा गया आई वेंट, ही वेंट टू आगरा पुलिस स्टार, ही सर द ताज, ठीक, ही सर द फोर्ट, चलिए आपको इसको करेक्ट करना है।
करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ही वेंट टू आगरा, ही सॉ द ताज, ही सॉ द फोर्ट। अब आप बना सकते हैं गोइंग टू आगरा, गोइंग टू आगरा, चूंकि सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना था, ध्यान दीजिएगा, इसमें सिंपल में गोइंग टू आगरा, इसके बाद क्या हो गया, ही सॉ द ताज एंड द एंड फोर्ट लिख लीजिएगा, द लगा दिया गया, ही सॉ द ताज एंड फोर्ट, उसने ताज को भी देखा और किसको देखा, फोर्ट को भी देखा, ये हो गया। थोड़ा सा आप कर सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, ताज और फोर्ट, क्योंकि ताज एंड फोर्ट दोनों वो साथ देखने जाते हैं, इसलिए हम आर्टिकल द लगा दिए थे, दोनों के लिए आपका काम करेगा, क्लियर हो गया। तो आप लोग ये जो एक्सरसाइज दी गई थी, इस एक्सरसाइज के माध्यम से अपनी अन्य प्रॉब्लम को क्या करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।